हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं गोभी का अचार। अभी के सीजन में गोभी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो हम आज गोभी का अचार बना रहे हैं। अचार बनाने के लिए हमने दो मीडियम साइज के गोभी को लिया है, जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है। काट कर साफ करके हमने इस बर्तन में इसे रखा है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डालकर इसे हम एक बॉयल आने तक पकाएंगे। ज्यादा इसे हमें नहीं पकाना है। इसे हम गैस पर रख देते हैं और एक बॉयल आने पर फिर हम आपको दिखाकर गोभी हमारा बॉयल हो चुका है। इससे ज्यादा हमें बॉयल नहीं करना है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और गोभी को हम छान लेंगे। छान कर इसे कपड़े पर फैला देंगे। थोड़ी देर हम धूप में इसे रख देंगे। इसका पानी जब ऊपर से सूख जाएगा तब इसमें हम मसाला मिलाएंगे। तो इसे अब हम ड्रेन करते हैं। उसके बाद सूखने के बाद फिर हम मसाला मिलाने के समय आपसे मिलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या करना है। उसके बाद गोभी को हमने बॉइल करके इसे अच्छी तरह से सुखा लिया है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। तो आइए देखते हैं मसाला हमने यहाँ पर रखा है। मसाले में हमने एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है, आधा चम्मच हमने हल्दी लिया है, एक चम्मच सरसों का पाउडर है, यहाँ आधा चम्मच हमने मिक्स मसाला लिया है। मिक्स मसाला में सौंफ, धनिया, मेथी और जीरा, इन चारों चीजों को बराबर मात्रा में लेकर हल्का सा भून कर हमने इसका पाउडर बना लिया। इसमें से हमने आधा चम्मच लिया है। आधा चम्मच हमने काला नमक लिया है और नमक स्वाद के अनुसार थोड़ा सा अजवाइन लिया। और यहाँ अचार सामने के लिए हमने सरसों का तेल लिया है। तो आइए अब हम अचार को मिक्स करते हैं। गोभी में हम इन सारे मसालों को डाल देते हैं। इसमें हम तेल डालेंगे। मिलाने तक हमें इसमें तेल डालना है, जिससे कि अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर सकें। और एक चम्मच के सहारे इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सीजनल अचार जब भी हम बनाते हैं तो वो सुबह में बनाए तो हम शाम में खाने लायक वो हो जाता है। उसे ज्यादा दिन नहीं रखना चाहिए। बनाए और दो तीन दिन में खाकर उसे खत्म कर देना चाहिए। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसे 4-5 घंटे हम धूप में रख देंगे, उतना ही सही अचार हमारा खाने लायक हो जाएगा। उसके बाद हम इसे सर्व कर सकते हैं। आप लोग भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, काफी टेस्टी होता है ये अचार। आप लोग बनाकर हमें जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोग को भी। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आगे नए वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।